नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। जन जन में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह के सीधा प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत की गौरवशाली आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली अयोध्या प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति की परम पावनी नगर के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात है। अथर्ववेद में इसे देव निर्मित 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली स्वर्णिम नगरी के तौर पर रेखांकित करते हुए कहा गया है, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत्तः। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली श्री अयोध्यापुरी का कण कण राममय है। भक्ति के शास्त्रीय ग्रंथों में ईश्वर प्राप्ति के साधनों के स्वरूप में 4 तत्व माने जाते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। श्री अयोध्यापुरी की गणना धाम में होती है और राम के नाम का स्मरण, उनकी लीलाओं का वर्णन और दिव्य विग्रहों का दर्शन यहाँ चतुर्दिक प्राप्त होता है, अर्थात भगवत प्राप्ति के समस्त साधन यहाँ स्वमेव उपलब्ध हैं। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में अयोध्या के दिव्य और पार्थिव स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। शिव संहिता के अनुसार परलोक की अयोध्या दिव्य गुणों वाली है और पृथ्वी पर अयोध्या देवताओं की लीला भूमि है और इन दोनों के स्वामी प्रभु श्री राम हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में अयोध्या सर्वप्रथम है, सर्वोत्तम है। अयोध्या की महिमा और गरिमा, भगवान श्री राम और अयोध्या की महिमा चराचर में, चारों भुवन में व्याप्त है। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की महिमा। युगों युगों से साक्षी है अयोध्या सनातन संस्कृति के, युगों युगों से साक्षी है सरयू की धारा भगवान श्री राम के अस्तित्व की और विश्व संस्कृति के सामने राम राज्य के सर्वोत्तम संकल्पना की। रामलला, आज राम सृष्टि के कण कण में हैं, सदैव से रहे हैं और सदैव रहेंगे। आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री का आगमन अब से कुछ देर बाद होगा। वो सबसे पहले हनुमान गढ़ी जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी के पूजन से आज्ञा लेनी होती है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे, फिर मुख्य पूजा स्थल की ओर जाएंगे जहां भूमि पूजन और मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर जाएंगे और जितने भी आमंत्रित साधु हैं, संत हैं, अतिथि हैं, उनको इस पावन और दिव्य अवसर पर संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुका है। उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा अतिथि गण कर रहे हैं। अतिथियों का आगमन हो चुका है। उन्होंने अपने अपने निर्धारित स्थानों पर अपना स्थान ग्रहण भी कर लिया है। वैश्विक आपदा के बीच हो रहे इस दिव्य और भव्य समारोह में सामाजिक दूरी का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। एक निशान बनाया गया है और उसी जगह पर अतिथि आकर बैठ रहे हैं। अतिथियों के आगमन के बीच जहां ये स्वरूप दिव्य से दिव्यतर होता जा रहा है, भव्य से भव्यतम होता जा रहा है, तो बस प्रतीक्षा है उस शुभ घड़ी की
कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ शुभ आगमन होगा और वो इस दिव्य और भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या नगरी अपने आप में दिव्यताओं से परिपूर्ण है। इसके नामाक्षरों की महिमा स्कंद पुराण में मिलती है, जिसमें अक्षर आकार को ब्रह्म, यकार को विष्णु और धकार को रुद्रवाची माना गया है, अर्थात त्रिदेवों की शक्ति स्थली के रूप में अयोध्या को प्रतिष्ठा प्राप्त है। और आज समस्त संत महंत विद्वत जन इस शुभ घड़ी में श्री अयोध्यापुरी में उपस्थित हैं, विराजमान राम लला के इस दरबार में, तो ये एक अलौकिक और अद्भुत क्षण है। भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ, भगवान श्री राम के किलकारी अयोध्या में गूंजी, दशरथ नंदन भगवान श्री राम रघुकुल नायक कहे गए। भगवान श्री राम ने यहीं पर दशरथ के आंगन में चारों भाइयों समेत बाल्यकाल अपना बिताया। इसी अयोध्या ने भगवान श्री राम का वनवास देखा, इसी अयोध्या ने राजा को सन्यासी बनते देखा, इसी अयोध्या ने सन्यासी को राजा भी बनते देखा, इसी अयोध्या ने चरण पादुका रखकर भ्रातृ प्रेम के सर्वोत्तम उदाहरण भरत को राज काज चलाते से देखा, इसी अयोध्या ने भगवान श्री राम के सर्वोत्तम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम को देखा। आज यही अयोध्या पूरी तरीके से आज सजी धजी सवरी इस ऐतिहासिक युगांतकारी पल के साक्षी बनने के लिए तैयार है, जब भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। भगवान श्री राम का बाल्यकाल यहाँ बीता, तो यहीं से वो वनगमन किए और अंततः यहीं पर राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज की संकल्पना को साकार करते हुए विश्व में सर्वोत्तम उदाहरण का उन्होंने सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया। दशरथ महल, जैसा कि नाम है कि भगवान राम के पिता श्री राजा दशरथ का ये महल है, जहाँ की दिव्य आरती इस समय हम सब देख रहे हैं। ये वही महल है जहाँ भगवान राम ने जन्म लेकर घुटनों के बल चलते हुए किलकारियाँ भरी और कौशल्या सुमित्रा केकेई के साथ साथ महाराजा दशरथ को भी आनंदित किया। ये वही दशरथ महल है जहाँ राम की क्रीड़ा स्थली के रूप में इसका वर्णन मिलता है। भगवान राम की बाल लीलाएं सुलभ हैं, सभी को आकर्षित करती हैं, सभी को मोहती हैं, सभी को प्रेरित करती हैं। वो ठुमक ठुमक कर यहीं चले थे। अयोध्या का अनुपम नजारा, और यहां पर गणमान्य साधु संत, राम भारतीय जनमानस में कुछ इस तरह रचे बसे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर राम है और अयोध्या के जनजन में राम निवास करते हैं और हर व्यक्ति संयमित और अनुशासन का पालन करते हुए इस समारोह को सफल बना रहा है। अगर आप अयोध्या आए तो कनक भवन का एक अपना ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब राम जानकी यानी सीता मैया को विवाह कर अयोध्या लाए थे तो कैकई ने मुंह दिखाई की रस्म के तौर पर सीता मैया को कनक भवन उपहार में दिया था। भगवान श्री राम और सीता माता कनक भवन में ही निवास करती है। पूरी दुनिया में सीता और राम की पूजा होती है, लेकिन कनक भवन में सीता मैया कनक विहारिणी और प्रभु श्री राम कनक विहारी के नाम से भी जाने जाते हैं। 3 अगस्त से चलने वाला भूमि पूजन का कार्यक्रम अलग अलग तरीके से अयोध्या में वैदिक परंपराओं वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच हुआ। भगवान हनुमान अयोध्या के रक्षक माने जाते हैं, अधिष्ठाता माने जाते हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचकर पवन सुत के दर्शन करेंगे। गर्भगृह
में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन करेंगे, वहाँ संत पहुँच चुके हैं। तकरीबन 35 संप्रदायों के 135 संत वहाँ पर मौजूद हैं। पवन सुत को अयोध्या के परंपरा है कि लोग यहाँ पर पहुंचकर पवन सुत के दर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री सर्वप्रथम वहीं पहुंचेंगे और अनेक संप्रदायों के संत महात्मा यहाँ पहुंचे हैं। ये वही स्थान है गर्भगृह का, जहाँ पर अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे और आज कार्यारंभ शुरू होगा। उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा जितनी आकुलता व्याकुलता और व्यग्रता के साथ कोटि कोटि जनमानस कर रहा है, उतनी ही व्यग्रता और आकुलता के साथ मानो प्रकृति भी उस शुभ घड़ी का साक्षात्कार करना चाहती है। राम लला विराजमान अपने भ्राता के साथ अपने उस अस्थाई भवन में विराजित हैं और आज वो भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो भूमि पूजन के पूर्व आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बीच में सबसे ऊपर रामलला विराजमान है, जबकि उनके चरणों में भरत जी का स्थान है। उनके दोनों तरफ शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी विराजते हैं। ये भव्य सलिला सरयू जो आकर्षित करती है, मोहती है, नेत्रजा कहते हैं इन्हें, क्योंकि श्री हरि के नेत्रों से इनकी उत्पत्ति हुई है। इन्हें राम गंगा भी कहते हैं। वाशिष्ठी के नाम से भी ये जानी जाती हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ इन्हें स्वर्ग से लेकर धराधाम पर यानी कि यहाँ श्री अवधपुरी में लाए थे। ये एक विहंगम दृश्य अयोध्या का जो सभी को मोहता है। ये क्रीड़ा स्थली है हमारे आराध्य हमारे ईष्ट प्रभु श्री राम की। तुलसी उद्यान, गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने प्रभु श्री राम के पूरे जीवन का अनूठा वर्णन रामचरितमानस में किया, और रामचरितमानस जो एक आदर्श है करोड़ों भारतीयों के लिए। अयोध्या सिर्फ एक बसावट नहीं है, यहाँ के कण कण में राम और श्री राम के मन में राम नगरी बसती है। अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है, अयोध्या हमारे दैनिक जीवन के मूल में है। इस नगरी को महान और सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं प्रभु श्री राम, और श्री राम भक्त आज इस दिव्य और अनुपम क्षण का साक्षी बनने के लिए यहां मौजूद। इस युग की सबसे विलक्षण घटना के साक्षी बनने के लिए विशिष्ट आमंत्रित जन गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्यारंभ आज होगा। प्रधानमंत्री के करकमलों से भूमि पूजन होगा और भगवान श्री राम की इस नगरी का, अयोध्या नगरी का सांस्कृतिक बौद्धिक दार्शनिक और आध्यात्मिक पुनर्स्थापना का भी आज दिन है। यहाँ पर केवल एक मंदिर नहीं बनेगा, भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं होगा, ये राष्ट्र मंदिर होगा, ये नए भारत के निर्माण के लिए एक सोपान होगा और साथ ही साथ ये सनातन संस्कृति का ऐसा प्रकाश स्तंभ होगा जिसे देखने के लिए दिग्दिगंत से समूची दुनिया से लोग पहुंचेंगे। पूरी तरीके से सभा मंडल को सुसज्जित किया गया है इस ऐतिहासिक युगांतकारी क्षण के साक्षात्कार करने के लिए। प्रधानमंत्री यहीं पर भूमि पूजन करेंगे अभिजीत मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त वही मुहूर्त जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही आज भूमि पूजन और कार्यारंभ होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के पुनर्निर्माण का। जहां पर भूमि पूजन हुआ है वहां पर पुष्पों से बहुत ही सुंदर से ढंग से लिखा हुआ भय प्रगट कृपाला आपने देखा होगा अपनी स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों पूर्व, और ये शायद इस बात का द्योतक कि यहाँ सब एक बार पुनः भगवान श्री राम के एक अवतरण, उनके एक भवन के अवतरण की प्रतीक्षा में यहाँ पर आतुर हैं। कहते हैं जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीर्थ सकल तहां चली आवहीं।
राम का नाम जब जब जहाँ जहाँ स्मरण किया जाता है, समस्त तीर्थ स्वयं वहाँ एकत्र हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज समस्त तीर्थ इस अयोध्या धरा धाम पर इस सुंदर और इस मनोरम घड़ी का अवलोकन करने के लिए, साक्षी बनने के लिए इतिहास के इन क्षणों का, वो यहाँ पर एकत्र होंगे। उस पर साधु संतों विद्वत जनों की ये संगत आज अयोध्यापुरी अपने दिव्यतम स्वरूप में आलोकित हो रही है। इसकी ऊर्जा, इसका रोमांच यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। लेकिन यदि आप अपने अपने घरों में बैठकर दूरदर्शन के माध्यम से हमारा ये सजीव प्रसारण देख रहे हैं तो यकीन मानिए वो रोमांच आप तक अवश्य पहुंच रहा होगा। उस घड़ी के आने में थोड़ी सी और देरी है, कुछ क्षणों का और विलंब, बस इसी विलंब को, उसी घड़ी को काटने की प्रतीक्षा करते हुए हमारे अतिथिगण गणमान्य साधु संत कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा और वो दिव्य घड़ी शुभारंभ हो जाएगा। इतिहास की वो एक नई इबारत आरंभ हो जाएगी लिखी जानी। राम जन जन के राम हैं, वो विश्व के हर इंसान के अंदर रचे बसे हैं। राम लोगों के दिलों में बसते हैं, तभी उन्हें लोकनाथ कहा जाता है। इस भूलोक और संस्कृति दोनों में राम समाहित हैं। राम का प्रभाव का मूल है राम कथा, तभी तो कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। राम का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श वीर और आदर्श राजा के रूप में हम सबको लंबे समय से आकर्षित करता रहा है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बहै सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निलमर नीरा। आज सरयू की लहरों में उल्लास का उफान है। आज सरयू अपने उल्लास और हर्ष के सर्वोत्तम बिंदु पर है, क्योंकि आज दशरथ नंदन का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हो रहा है। आज दशरथ नंदन के भव्यतम दिव्यतम मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्यारंभ शुरू होने जा रहा है। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से ही अयोध्या की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा, अपिस्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि जननी और जन्मभूमि, माँ और जन्मभूमि, ये स्वर्ग से महान है। स्वर्ग से भी अधिक महिमावान उन्होंने अयोध्या को बताया, स्वर्ग से अधिक उन्होंने प्राणवान जन्मभूमि को बताया और यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्राण प्रण से प्रेम होना चाहिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कामना होनी चाहिए और राष्ट्र को, राष्ट्रपुरुष को देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित करने की भावना होनी चाहिए। और अब वो घड़ी आ गई है जबकि श्री अयोध्यापुरी में आगमन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और उनकी आगवानी की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। और अब इस आगवानी के पश्चात अयोध्या पर आगमन होना है प्रधानमंत्री महोदय का। विशिष्ट अतिथि गणमान्य संत महंत सब अपनी जगह पर पूरी तरह से व्यवस्थित हैं और वो शुभ घड़ी धीरे धीरे और भी नजदीक चली आ रही है। राम का अर्थ ही है सुहावना, यानी कि भला लगने वाला। रमे हैं रोम रोम में राम, सोवत जागत हमें निहारत, निट्स दिन आठो याम। राम सिर्फ एक आराध्य भर नहीं है, वो सिर्फ एक ईष्ट नहीं है, बल्कि राम तो एक आदर्श हैं जिनका अनुकरण किया जाता है। जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों और आपके पास चयन का विकल्प हो तो आपको कैसा आदर्श प्रस्तुत करना है, ये हमें भगवान श्री राम बताते हैं।
अयोध्या का ये दिव्यतम स्वरूप जो सभी को आकर्षित करता है। यहाँ आने की एक परंपरा है कि जो भी यहाँ आते हैं सरयू स्नान के पश्चात अयोध्या के वर्तमान राजा या यूं कहें अयोध्या के वर्तमान महाराजा श्री हनुमंत लाल के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अयोध्यापुरी प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनके महाप्रयाण के बाद भी अयोध्यापुरी शाश्वत रहे। इसलिए उन्होंने अयोध्यापुरी का महाराजा श्री हनुमंत लाल को बनाया, क्योंकि वो अजर और अमर देवता हैं। तो हनुमंत लाल वर्तमान अयोध्या के महाराजा हैं और यहीं वो एक ऊंचे टीले पर बैठकर पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं, उसे देखते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं और धन्य करते हैं। दूर अयोध्या से ही अयोध्या का वो ऊंचा कलश सभी को दिखता है और ये पता चलता है कि वो हनुमंत लाल की उस श्री अयोध्यापुरी के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, जिसके बारे में प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित सब जाना अवधपुरी संप्रिय नहीं को यह प्रसंग जाने को। भगवान राम लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे तो हनुमान जी ने वहीं रहना शुरू कर दिया था। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। स्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि बिना हनुमान जी सरकार की आज्ञा के राम दरबार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी जहाँ पर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी आएंगे और इस हनुमानगढ़ी की महिमा अपरंपार है। तुलसीदास लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यहाँ अपनी माता अंजनी की गोद में विराजमान है राम भक्त हनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले परंपरा का निर्वहन करते हुए अयोध्या में पहुंचने पर पवन सुत हनुमान के मंदिर, आस्था के केंद्र, अयोध्या के विलक्षण सांस्कृतिक धार्मिक विरासत हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और वहां पर पवन सुत हनुमान के दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा मंडप के समीप एक पारिजात का वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण करेंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। आज साक्षात समूची अयोध्या इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, युगांतकारी क्षण के लिए सजी समरी इठलाती हुई अपने रूप पर तैयार है कि वह क्षण अब समीप है कि जब कोटि कोटि भारतीयों की मनोरथ पूर्ण होने का आज दिन है, कोटि कोटि भारतीयों की अभिलाषा आज पूर्ण होने का दिन है, क्योंकि 5 सदी तक चले हुए संघर्ष की आज सुखद और सकारात्मक परिणति होने जा रही है। भगवान श्री राम का अयोध्या में ही वनवास समाप्त होने जा रहा है। भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्यतम भव्यतम सनातन संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनने वाले मंदिर का भूमि पूजन और कार्यारंभ होने जा रहा है। हनुमानगढ़ी बाबा अभयराम दास जी की प्रेरणा से इसका निर्माण हुआ था और ये अयोध्या के मध्य एक टीले में स्थित है। सीढ़ियां चढ़कर हमें मुख्य विग्रह के दर्शन होते हैं और ये अद्भुत और दिव्य दर्शन आप भी इस समय कर रहे हैं। ये हनुमंत लाल का जो गर्भगृह है, इनके पास चांदी की गदाएं रखी होती हैं और ये केसरिया और पीले रंग से साथ में हरे रंग का समावेश किया हुआ उनका पूरा परिसर आकर्षक भव्य और मोहने वाला होता है। गेंदा गुलाब श्वेत पुष्पों से
भव्य श्रृंगार किया गया है आज हनुमंत लाल का, जो कि दिव्य और अलौकिक रूप से दिखते हैं। और रहा सवाल अयोध्या का, तो पीले रंग से वो पूरी तरह से रंगी मुख्य द्वार उसके दिखते हैं, मानो वो आगवानी करने को आतुर हैं। शुभ माना गया है पीला रंग, और प्रभु श्री राम को पीतांबर भी कहते हैं। तो उनकी इस रुचि का ध्यान रखते भी अयोध्या वासियों ने मुख्य द्वार को पीले रंग से सज्जित किया है, और ये एक बहुत ही लुभावना और आकर्षित करने वाला दृश्य उपस्थित करता है। हनुमानगढ़ी की जो चौखट है वो भी चांदी की बनी है, जबकि जो छत्र है हनुमंत लाल के सर पर वो अष्ट धातु का बना हुआ है। तो ये एक सिद्ध पीठ है जहां आने वाला अभिभूत होता है, रोमांचित होता है, आशीर्वाद प्रदान करता है, और कुछ ही पलों के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहां आगमन हो रहा है। वो इस स्थल पर स्थल पूरी तरह से उनकी प्रतीक्षा में रत है, और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, पूजन अर्चन करने के पश्चात हनुमंत लाल से अनुमति लेकर वो आएंगे राम जन्मभूमि परिसर की तरफ, जो कि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, और प्रतीक्षा की ये घड़ियां लोग धीरे धीरे करके काट रहे हैं। पूरी अयोध्यापुरी इस समय इंतजार में प्रतीक्षारत, और पूरी दुनिया में भारत सहित विश्व के तमाम देशों में राम लोकप्रिय हैं। उनकी कथाएं बिल्कुल इस कहावत की तर्ज पर हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम देश के जनमानस में रचे बसे हैं। राम का सारा जीवन आदर्श के सबसे ऊंचे मानकों पर आधारित है। उन्होंने जीवन में जो कुछ किया अपने लिए नहीं, औरों के लिए किया। राम के लिए हमेशा स्वहित से ज्यादा परहित, समाज हित और राज्य हित मायने रखता था, और ये अयोध्या नगरी उसकी साक्षी रही है। और आज राम भक्त हनुमान भी प्रतीक्षा में हैं कि कब राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का वो शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो, और आरंभ करेंगे। हनुमानगढ़ी अब से कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमानगढ़ी में आगमन होगा, जहां पर वो पवनसुत हनुमान के दर्शन कर और वहां पर मौजूद गद्दी नशीन से भी मुलाकात कर अन्य विधिवत कर्मकांडों की तरह अन्य परंपराओं का अनुपालन करते हुए पवनसुत हनुमान के दर्शन कर रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। ये परंपरा है कि, और ये कहा भी जाता है कि भगवान श्री राम के स्वर्गारोहण के बाद अयोध्या पूरी तरीके से उजाड़ हो गई थी और इसे फिर से स्थापित किया गया, और भगवान हनुमान को अधिष्ठाता माना जाता है, रक्षक माना जाता है अयोध्या का। और ये परंपरा है कि भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवनसुत हनुमान के दर्शन करने के बाद ही लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने आते हैं। ये उस महानता, उस परम महान परंपरा का भी प्रदर्शन है कि किस तरीके से भक्त वत्सल कहे जाते हैं भगवान श्री राम, कि श्री राम के दर्शन से पहले उनके अनन्य भक्त हनुमान के दर्शन की परंपरा है। अयोध्या एक ऐसी नगरी है, सामान्य नगरी नहीं है, इसने साक्षात परम ब्रह्म का अवतरण देखा है। परम ब्रह्म का अवतरण इसी अयोध्या नगरी में हुआ। राम नगरी बनने का गौरव इसे और विलक्षण बनाता है। भगवान श्री राम अगर अगम अगोचर और अनंत हैं, तो अयोध्या नगरी का अस्तित्व अनादिकाल से अद्भुत, अलौकिक और अक्षुण्य है। श्री राम नाम ही अयोध्या को संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर बैठाता है। भगवान श्री राम कोटि कोटि जनगण के मन और हृदय में वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी, परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर पवनसुत हनुमान के दर्शन करेंगे। सीढ़ियों को चढ़ते हुए भारतीय वेशभूषा में
परंपरागत परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं भगवान हनुमान के दरबार में। और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि हस्त प्रक्षालन कर अपने जूतों को उतार कर हस्त प्रक्षालन कर अब वो परंपरागत तरीके से हनुमान जी के दर्शन के लिए अभिमुख हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है हनुमंत लाल के दरबार में और वो अब पूजन अर्चन करेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ साथ हैं। हनुमान गढ़ी के भीतर प्रवेश करते समय जब आप चलते हैं ये परिक्रमा मार्ग से जिधर से प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो हनुमान बाहुक सुंदर कांड हनुमान चालीसा उत्कीर्ण है संगमरमर के प्रस्तरों पर। और अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह के ठीक सामने पहुंच गए हैं और वो पूजन अर्चन परंपरागत ढंग से कर रहे हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान हनुमान श्री राम भगवान के अनन्यतम भक्त माने जाते हैं और ये परंपरा है कि अयोध्या धाम में पहुंचने वाला हर व्यक्ति सर्वप्रथम भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवनसुत हनुमान के दर्शन करेगा। और उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, पवनसुत की आरती कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान की अर्चना करते हुए और अब परिक्रमा कर रहे हैं। आज एक लंबे इंतजार के बाद वो शुभ मुहूर्त और अब राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का राज तिलक यही हुआ था। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान पवनसुत माने कहे जाते हैं और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान हनुमान को राम दूत की जो संज्ञा मिली हुई है वो उन्हें और विशिष्ट और विलक्षण बनाती है और एक प्रतिबद्धता संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट रूप से आती है जब खुद भगवान हनुमान ये कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। और आज वही प्रतिबद्धता जो कि कही जाती है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यानी कि मातृभूमि के कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कटिबद्ध हैं, आज उसी प्रतिबद्धता के परिपूर्ण होने का दिन है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भूमि पूजन होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर दिव्यतम भव्यतम निर्माण मंदिर के निर्माण के लिए। और वो वही प्रतिबद्धता है भगवान हनुमान की प्रतिबद्धता कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। और ये उसी प्रतिबद्धता का प्रस्फुट प्रदन है, ये उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो कहा जाता है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हनुमानगढ़ी की उस परंपरा के अनुसार वो एक भेंट की गई सिर पर एक मुकुट जिसे उन्होंने धारण किया बहुत ही श्रद्धा के साथ। और वो एक प्रतीक होता है कि जो काज वो मन में लेकर आए थे वो पूर्णता को प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्रदान होने की एक सनातन परंपरा का निर्वहन किया गया वहाँ के गद्दी नशीन द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ उसे ग्रहण किया।
अयोध्या आज पूरी तरह से खुशी से नृत्य कर रही है, वो झूम रही है। आज उसके आराध्य उनके ईष्ट भगवान प्रभु श्री राम का, जो कि रामलला विराजमान के रूप में जन्मभूमि परिसर में विराजते हैं, उनके भव्य भवन का निर्माण होना है। आज भूमि पूजन के साथ कार्यारंभ होना है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और अब वो जन्मभूमि परिसर की तरफ आएंगे। और रहा सवाल अयोध्या का, तो अयोध्या साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक घड़ी के। ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, उस इतिहास का साक्षात्कार करना अपने आप में एक दिव्यता की अनुभूति है। अयोध्या का जिक्र जब भी किया जाता है, उस धार्मिक शहर के साथ श्री राम और सरयू नदी का महत्व भी हमेशा से ही सामने आता है। रामलला, उनके साथ भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, साथ में हैं राम भक्त हनुमान, शालिग्राम और प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के बाद अब रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे। राम का रामत्व उनकी संघर्षशीलता में है। राम के संघर्ष से साधारण जनता को एक नई शक्ति मिलती है। कभी न हारने वाला मन, विपत्तियां हजार हैं, राम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हिम्मत नहीं हारते हैं। सरयू के तट पर पिछले कुछ दिनों से भव्य तैयारी की गई है, दिव्य आरती का आयोजन किया गया। इस पूरे उत्सव को एक मनभावन रूप दिया गया और विहंगम नजारा अपने आराध्य, अपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अनूठे ढंग से समर्पित ये कार्यक्रम और पूरे अयोध्या नगरी को प्रकाश की रोशनी से जगमग किया गया। पिछले 2-3 दिनों से ये अद्भुत नजारा सरयू के तट पर, राम की पैड़ी और दीपोत्सव भी मनाया गया। यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार रामायण और रामचरितमानस में इस बात का भी जिक्र है कि जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे थे, तो उस समय अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर प्रभु का स्वागत किया था। और अब जब अवसर राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास का है, भूमि पूजन का है, तो एक बार फिर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या ने उन्हें दीपोत्सव के सहारे याद किया, स्वागत किया और उनसे प्रार्थना भी की कि उनकी कृपा से ही ये भव्य और दिव्य आयोजन अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पिछले 2 दिनों से दीपमालिकाओं में सजी संवरी अयोध्या राम के पुनरागमन का आभास करा रही है। राम का पुनरागमन अयोध्या में इस मायने में हो रहा है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हो रहा है। सरयू तट पर असंख्य दीपों से, जगमगाहट से भगवान श्री राम के पुनरागमन का आभास देश और दुनिया ने किया। भगवान श्री राम यहाँ के रोम रोम में विराजते हैं और अब जब वो क्षण आया है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था, तो संपूर्ण अयोध्या अपने संपूर्ण यौवन रूप में, अब अयोध्या के वैराग्य में अब सौभाग्य का उदय हुआ है और संपूर्ण सजी संवरी यौवन रूप में अयोध्या इस युगांतकारी क्षण के साक्षात के लिए तैयार है। सरयू की महिमा भी समूचे अयोध्या को और पावन बनाती है। गंगा से भी ज्यादा पवित्र और महात्म सरयू का माना जाता है। भगीरथ ने खुद अपने पुरखों के उद्धार के लिए अगर गंगा को लाया, तो साक्षात यहाँ पर ईश्वर ने सरयू को प्रकट किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सभा मंडप का, जहाँ पर विशिष्ट आमंत्रित गणमान्य महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप अनेक लोगों को आप पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ ये दृश्य है
गर्भगृह का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विद्वत काशी विद्वत परिषद और लब्ध प्रतिष्ठित कर्मकांड विशेषज्ञों की मौजूदगी में अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। ये वही आसन है, ये वही क्षण है, ये वही स्थान है, ये वही गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ होगा। काशी और अयोध्या के तमाम कर्मकांडी विद्वतों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया है, क्योंकि भगवान राम के कार्य में जो उनकी भागीदारी है वो उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक ऐसी अद्भुत मर्यादा है जिनका पालन किया जाता है। राम हमारे समाज के लिए एक आचरण है जिन्हें हम अपने स्वभाव में ढालते हैं। राम एक जीवन शैली है जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं और जीने की प्रक्रिया में हम सुख और आनंद पाते हैं। कष्टों, दुखों, विपत्तियों, आपत्तियों में किस तरह से धैर्य धारण करना है, ये हमें प्रभु श्री राम सिखाते हैं। सीमित संसाधनों से अजेय पराक्रमी को भी परास्त करने की कला हमारे राम जी ही हमें सिखाते हैं, और इसीलिए राम किसी देश, काल, जाति, धर्म या पंथ से बंधे नहीं हैं। पूरे विश्व में राम को एक आदर्श, एक मर्यादा और एक आचरण के रूप में पूजा जाता है। राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। थाईलैंड में जो रामायण चलती है उसे रामकियन के नाम से जाना जाता है। बैंकॉक के शाही बुद्ध मंदिर पर कहें तो वहां भी राम कथा का अंकन मिलता है। इंडोनेशिया में राम को राष्ट्रीय पुरुष माना गया है और रामायण को वहां के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। मलेशिया की बात करें तो वहां भी कठपुतलियों से राम कथा का मंचन किया जाता है, जिसे हिरायक सेरी रामा कहते हैं। सुदूर रसिया में वर्षों पहले एलेक्साई वारान्निको ने रशियन भाषा में रामायण का अनुवाद किया। पादरी एटकिंस ने सबसे पहले श्री रामचरित मानस का अनुवाद किया। तात्पर्य ये कि राम किसी एक परिधि में बंधने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं हैं, वो एक आदर्श हैं, वो मानव जीवन जीने की शैली हैं। और इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय आगवानी के लिए उपस्थित हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, और वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी आगवानी करते हुए गणमान्य लोग, अब माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है उस घड़ी की तरफ जहां वो विराजमान रामलला के दर्शन करने, पूजन अर्चन करने और उनसे अनुमति लेने के लिए प्रांगण में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम का नाम लेना ही सहस्र नामों के पुण्य की प्राप्ति कराता है। भगवान विष्णु के साक्षात अवतार भगवान श्री राम का नाम लेना ही, मात्र नाम लेना भर ही लोगों के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को समाप्त कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं राम लला विराजमान के दर्शन करने के लिए। श्रद्धावनत हैं, साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह वह क्षण है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था। साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने, और यह भारतीय सनातन संस्कृति का और कोटि कोटि 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से भगवान श्री राम को के सामने नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करके अनुमति लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने पहुंचे हुए हैं, और वह शुभ घड़ी, वह युगांतकारी क्षण भी अब समीप है जब दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए आज भूमि पूजन होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विराजमान रामलला की आरती के पश्चात उन्हें माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री विराजमान रामलला और उनके भाइयों की पूजन अर्चन करते हुए, ये श्रद्धा की ही नहीं वो घड़ियां हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है। जब नहीं लेना तो कैसे कर। रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है, और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है। हम कहते हैं, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। पृथ्वी को हम माता मानते हैं, और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के परिसर में पारिजात वृक्ष का उन्होंने पौधारोपण किया है। पारिजात वृक्ष स्वयं स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प की, पारिजात के पुष्प से उनकी पूजा करने की मनोकामना और आराधना है, और ये बेहद विलक्षण अद्भुत और बेहद कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमि के, पृथ्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानव आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया पारिजात के वृक्ष का रामलला मंदिर
के विराजमान और साथ ही साथ इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। रामायण में लिखी ये चौपाई, पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए। सुलहाने सच है, राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए, मन है कि भरता ही नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र दो अक्षर नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है, राम हमारी एकता और अखंडता है, राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री, वृक्षारोपण के बाद पूजा स्थली की ओर जा रहे हैं, जहां पर अभिजात मुहूर्त में भूमि पूजन और राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। भगवान राम अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते, हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वह हमेशा पुरुषों में उत्तम बने रहते हैं। एक आम आदमी के संघर्षों, कष्टों, विसंगतियों को वो जीते हैं और मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देते। बस यही आचरण उन्हें अनुकरणीय बनाता है। भगवान राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने मात्र एक साधारण मानव की भांति असाधारण रूप से धैर्य, शील और मर्यादा का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को जिया है। अपनी आपबीती को सामान्य जनमानस उनसे जोड़ता हुआ मान लेता है और अपनी कहानी को वो राम कहानी कह देता है। अपने सुख दुख लाभ हानि सब राम जी के माथे डालकर निश्चिंत हो जाता है। प्रभु श्री राम विपत्ति को भी एक अवसर की तरह लेते हैं। राज तिलक की घोषणा के बाद वनवास दिए जाने पर उन्होंने उस सुअवसर को वनवासियों, आदिवासियों और भीलों को धर्मयुक्त जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए लगा दिया। उन्हें परिवार की महत्ता समझाई, भीलों, वानरों, रीछों के साथ मित्रता करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं, यानी राम अखंड भारत की कल्पना को साकार करते हैं। राम कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर साहस नहीं खोते, वो धैर्यशील रहते हैं और वो शायद वो सिखाते हैं कि यही आचरण हमें भी करना चाहिए जब हम पर कोई कष्ट या संकट पड़े। दुखों से उबर कर एक विजेता की तरह होने की कला सिखाने वाले का नाम ही राम है। इसीलिए संपूर्ण विश्व राम को भगवान या मानव नहीं, एक आचरण मानता है। और इसी मध्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उस मुख्य भूमि पूजन स्थल पर, जहां पर वैदिक कर्मकांडी आचार्य अपना अपना स्थान ग्रहण करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी क्षण की आतुरता और व्याकुलता के साथ संत, महंत, विद्वत जन, अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सब लोग उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद उनके मुख मुद्रा पर ये जो व्यग्रता, ये जो बेचैनी है, साफ साफ झलक रही है, क्योंकि अब इतिहास बनने में कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के पश्चात जैसे ही शिला रखी जाएगी या आधारशिला रखी जाएगी, वैसे ही ये आरंभ हो जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तरफ जहां उन्हें भूमि पूजन का कार्यक्रम करना है और आचार्य गण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। सनातन संस्कृति की युगांतकारी घटना के वो साक्षी तो बनेंगे ही, साथ ही साथ वो संक्रांति के नायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पूर्वाभिमुख होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और ये भूमि पूजन देश भर के विशिष्ट आमंत्रित कर्मकांड विशेषज्ञ, अयोध्या और काशी के विद्वत परिषद के गणमान्य व्यक्ति और पुजारी इस संपूर्ण कार्यक्रम को वो संपन्न कराएंगे।
ये मुख्य कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट आमंत्रित संत महात्माओं को यहां पर बुलाया गया है। भारत के सभी संप्रदायों के, 36 संप्रदायों के 135 संत यहां पर मौजूद हैं। इनमें आदिवासी वनवासी संत समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, साथ ही साथ संत समाज से इतर अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया है। ये वही स्थान है जो भविष्य के भावी दिव्यतम मंदिर का गर्भ गृह होगा और रामलला यहीं पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यारंभ होगा। कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम नामुद्धर। राम त्वमेवाश्रयः। ओंकार प्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्द विस्तीर्णशाखो रिक्पत्रस्साम पुष्पो। मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल आनंदी बहन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरित चरितः पातु वो वेद वृक्षः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्याजेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की। महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की। श्री अवध धाम की। श्री षडजू महारानी की। श्री राम जन्मभूमि की। श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की। श्री हनुमान जी महाराज की। ग्राम देवता की। क्षेत्र देवता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरि जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम्। हस्ते जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पुण्डरीकाक्षः पुनातु। विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली कुशा
रख दीजिए। ओम पवित्रे तो वैष्णव्य सभी दुर्गा सब उत्पुना व्यक्षित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पुत्रस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ। पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुः विश्वमायुर्व्यश्नवै अग्न आयो गुखिभवस आसुवोर्जमिखं च नः आरे बाधस्वदच्छुनाम्। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुरेहि मा शुक्रेण देवदीर्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षग्नेऽभ्युततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरे खडिः जः पोता स पुनातु मा उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागात् यस्यामि मा बह्व्यस्तन्वोऽभीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमादेखुभयगोश्यामपतयोरयीणाम्। ॐ चित्पतिर्मा पुनातु वाग्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनातु क्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपुत्रस्य जत्कामः पुने तच्छकेयाम्। अपने ऊपर भी और पूजन सामग्री पर जल का सिंचन अपने ऊपर छिड़के। जल का स्पर्श तीन बार जल का स्पर्श करना है आचमन के निमित्त। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। तिलक लगा लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुया वदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्तोभागुसस्तनोभिर्व्यसेमहिदेवहितं जदायुः। चावल है चावल दो ज्यादा नाम। ओम अक्षतान् विप्रहस्तात्तु नित्यं गृह्णन्ति जिनराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धैर्जयशो बलम् आयुर्विद्यायशो बलम्। गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं। हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है। 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लालायित रही, परंतु भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। आज संपूर्ण विश्व धन्य है। भगवान श्री सीताराम अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, सब भगवान श्री सीताराम की श्री अवध धाम की जय जयकार कर रहे हैं, सब आपकी जय जयकार रहे हैं, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें। जो आप
सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अति शीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे पुष्प लेकर हाथ में। ओम अविरल मद जल निवहम भ्रमर शतानीक सेवित कपोलम अभिमत फल दातारम कामेशम गणपतिम वंदे विघ्नध्वान्त निवारणैकतर निर्विघ्नाथ देह व्यवाड विघ्न व्याल गुलाभिमान गरुड़ो विघ्ने भपंसानन विघ्ना तुंग गिर प्रभे दन पविर विघ्नाम्बुधेर पादव विघ्ना घोघ घन प्रचंड पवन विघ्नेश्वर पातुन नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र जमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम देवा आयान्तु यातु धाना अपयान्तु विष्णो देव जजनं रक्षस्व। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम बाणेश्वराभ्यां नमः। ओम सचिव पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। साक्षी बनने के लिए यहां मंच है। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत इस युग की सबसे विलक्षण घटना के साक्षी बनने के लिए विशिष्ट आमंत्रित जन गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं। समाधिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है, तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहां भैया चादर लटा दे। एक थाली में हाथ में ले, एक पात्र ले ले उसमें। यहाँ 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे जल पुष्प हाथ में, हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है,
ऐसे यजमान कहाँ मिलने वाले हैं आज भारतवर्ष में, ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे है? सब बैठे में इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संचालक, उधर महाराज जी, क्या हमारा भी सौभाग्य है भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान, तो ये लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं, जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधि भूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणीनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोप शमन पूर्वकं निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांग भूतं शिला पूजनं परिकरैः सह अहम् करिष्ये। गणेश जी के पास में रखते हैं, पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतं गणपति स्मरण पूर्वकं भूम्यादि पूजनं च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति देवं ततो सुप्तस्य तथैवेति घोरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें, हे शिव हमें यह शक्ति प्रदान करें, हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बु फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गजं। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं, प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनं गंधाक्षत पुष्प, अभी पृथ्वी माता का और पूर्व भगवान का भी करेंगे। पूर्व के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेष नाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहाँ पर कौन है आप चारों लेकर सकते हैं। ओम स्वर्गैको भिरदो निवासी पुरुषारब्धाति शुद्धांध्वर स्वाहाकार वसत्क्रियोथम अमृतम स्वादीय आदीयते आमनाय प्रवणैरलंकृत दुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर् दिव्य क्षेत्र सरित पवित्र बपुषे देव्यै पृथिव्यै नमः, देव्यै पृथिव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें।
आधार भूता जगत स्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपाम स्वरूप स्थितया त्वये तदाप्यायते कृत्स्नमलंघ वीर्ये ओम भूर्भुवस्वः पृथ्वी कुर्मा अनंत वराह देवताभ्यो नमः पुष्पांजलि समर्पयामि अनंत नमस्कारान् निवेदयामि अनेन पूजनेन पृथ्वी कुर्मा अनंत वराह देवताः प्रीयन्तां जल गिरादे जी। अब यहाँ क्रमशः नौ शिलाओं का पूजन हम करेंगे, पहले आठ शिलाओं का पूजन, फिर बाद में कुर्मी शिला का पूजन, एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे, पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। पंच गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महो दधो तासां मध्ये तुजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अपदायतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयाम आवाय सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः। शुक्लाम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभाग्यञ्जय नमः। सौभाग्यनि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। तदर्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः प्रीयन्तां नाम कूर्मशिला का। ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है नमः भगवते कुंकुर जहाँ भगवान विराजमान थे। तीन गुंबदों वाले ढांचे के अंदर भी, बाद में कपड़े के मंदिर में भी जहाँ विराजमान थे, ये वही स्थान है। और बड़ी इंजीनियरिंग तरीके से लार्सन टुब्रो के इंजीनियर्स ने इस स्थान को चिन्हित किया है। ओम कूर्माय नमः। एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ताम्बूलादीनि गंधाक्षत पुष्प। एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ताम्बूलादीनि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। शेषोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। पुष्प लेकर प्रणाम कर लेंगे। ओम नमो भगवते कुंकुर्माय धराधर धुरंधराय नमः। धराधर धुरंधराय नमः। 12:44:08 कूर्मशिलायै नमः। पुष्प लेकर छोड़ दिया जाए, फिर जल लेकर 12:44:08 न पूजने न कूर्मशिला प्रियताम कूर्म प्रियताम नाम कूर्मश प्रियताम नाम। बोलिए कच्छप रूप भगवान की, वराह रूप भगवान की, मत्स्य रूप भगवान की, दशावतार रूप भगवान की। जय जय श्री सीताराम। कूर्मशिला पर नवरत्न जड़ित पंचधातु निर्मित कमल पुष्प सहित गंध पुष्पाक्षत अर्पण करता है।
आप श्री के द्वारा लाया कलश में क्या कुछ है क्या? कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आज कलशम कितना समय है और 44 समय क्या हुआ है मेरी घड़ी सेकंड सही से हम समझ नहीं पाते हैं। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। चलिए ध्यान किया जाए, वो प्रकरण को शॉर्ट करते हैं, इसीलिए देख लिया समय है। पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। 2 मिनट पहले इशारा कर देंगे, 2 मिनट पहले। यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया, अस्य श्री संकट हरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन महागणपति देवता मम सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोग है। अस्मत्तेशस्य सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोग है। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत्स्वरूपं तुरीयं त्रैगुण्यातीतनीलङ्कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिं योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं गङ्गं गङ्गङ्गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयं ते। सलिल सिंह बम बम विघ्नराजं भजते निज भुजे दक्षिणे न्यस्त सुंडम क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलित रिपु बलं कल्प वृक्षस्य मूले दं 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 दंतमेकं दधति मुनि मुखं कामधेन्वा निषेव्यं धं 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 धारयं तं धनदमति धियं सिद्धि बुद्धि द्वितीयं तुम 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 तुंगरूपं गगनपथि गतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमुण्डं च शुण्डं श्रीं 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 शयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लौं लौं लौङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 यज्ञनाथं जपतिमुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं सूर्पकर्णं कृपालं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पयज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट नमोऽन्ते ठठ ठठ सहिते पल्लवे सेव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रम् यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गसर्गं षडस्रे अष्टौ शक्तिस्य सिद्धेर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च धर्माद्यस्तो प्रसिद्धा दश दिशि विदिता बाध्वजाल्यः कपालम् तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुतविलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव युवतिकुलं दासवत् सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः
भगवान श्री राम की कुल देवी भगवती कालिका हैं, परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुल देवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है, इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति, कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है, भगवान की कृपा है, मूल कवच है। चार श्लोक है मात्र, छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नौ देवी पाहि खड्गे न चांबिके घंटास्वनेन नह पाहि चा पज्यान स्वनेन चा प्राच्याम रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि जानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की, हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए, समय क्या था? अभी कितना समय? श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सबको एक कीर्तन कर लें एक मिनट भगवान का मंगल में। चार मिनट है, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्राभिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तामावह जातवेदो लक्ष्मी पदपदाविदीन् यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियन्देवीमुपहवये श्रीर्मादेवे दुषां तां सोऽस्मिताभिरण्यप्राकारामाकारां ज्वलन्तीं त्रेतां कल्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो कुवैद्र्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं त्रियं लोके देवदुत्यामुदाराम् तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाच वाशा अलक्ष्मीः उपयतो मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे श्रुतिवासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुवे गृहात् गन्धद्वारां पुरराधर्षां निजपुष्टां करिष्यीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपवये श्रियां मनसः काममार्गोऽयं वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्दस्यां श्रीधिशयदाशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्पृजन्तस्निग्धानि चले तव समे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्राभिरण्मयीं लक्ष्मीं जातमेदो महावह आर्द्रां यत्कर्णीं यक्ष्मीं सुवर्णाभिवालिनीं सूर्याभिरण्मयीं लक्ष्मीं जातमेदो महावह तां महावह जातमेदो लक्ष्मी पदपदामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषाणां यः शुचिप्रयतो भूत्वा द्वयाना
नमः पद्मानने पद्म ओरो पद्माक्षे पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षे देव सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनं मे दोषतां देव सर्वकामाश्र देहि मे पुत्र पात्र धनं धान्यं हस्त्यस्वादि गवेरथं प्रजानं भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विनं वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु नेत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः पृथ्वे देव स एह मादय तमो प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु की जय श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु से पुष्प से आरती करवा लो पुष्प से खाली में देखिए ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की ये कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा चंद्रादित्य धरणे विद्युत त्वमेव सर्व ज्योतिम से आतिक्यम प्रतिगृह्यताम पुष्पातिक्यम समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति अञ्जलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम शिलायै नमः एक परिक्रमा कर लेंगे ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलं तान् सर्व पाप ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योषमेधादि फलं ददाति तां सर्वपापक्षय हेतु भूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे हम लोगों को कहाँ मिलेंगे दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल यह है वो संकल्प कर लेते हैं दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं भारत तो हमारा ही है उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए कुछ और उसमें जुड़ जाए तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा जी अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण अपना गोत्र श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिलापूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं यद्दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम् अग्निदेवतं
यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम् अहम् समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दें भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में, अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा कैसे हो लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। नो स्वस्ति का कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको, जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं प्रदान करें, कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें, पूर्ण विश्व आप कुर्सी का मुंह प्राप्त करें, 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे, वो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे, पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था, विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में, विश्व इतिहास की विशिष्टतम महायोग की ये संघटना संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि जन्मस्थान के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन को संपन्न किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया भूमि पूजन एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण करेगा। ये ऐसा राष्ट्र मंदिर होगा जिसमें भारतीयता रची बसी होगी। ये केवल नैनाभिराम मंदिर ही नहीं होगा, ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा। ये मंदिर सही मायने में, यहाँ पर मूर्ति रूप में तो रामलला होंगे, लेकिन अमूर्त रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ममत्व, समत्व, बंधुत्व का संदेश समूची मानव संस्कृति को देंगे। ये भूमि पूजन न केवल मंदिर का, साथ ही एक नए युग का भी है। ये नया युग प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप नए भारत के निर्माण का है। ये युग मानव कल्याण का है। ये युग लोक कल्याण के लिए तपोमयी सेवा का है। ये युग राम राज्य का है। भूमि पूजन के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ जा रहे हैं और अब यहां मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, साधु समाज के सदस्य, संत महात्माओं को वो इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर संबोधित करेंगे। भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये राष्ट्र मंदिर समूची संस्कृति को, समूची मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से ओतप्रोत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन ही नहीं किया, बल्कि ये एक नए युग का शुभारंभ है। ये शुभारंभ है उस भारतीय सांस्कृतिक चेतना का, ये शुभारंभ है उस परिकल्पना का जहां पर मानवता अपने साकार रूप में, आदर्शों के रूप में उपस्थित होगी। प्रभु श्री राम के अनुरूप राज्य यानी कि भारत वर्ष को अखंड बनाने की उस संकल्प की ये घड़ी है। ये अनेकों अनेकों कोटि कोटि जनों की भावनाओं का प्रतिबिंब ही नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा।
अब वो परिकल्पना साकार रूप लेगी जब भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हर भारतवासी अपने देश को उतना ही सुदृढ़ बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा और आगमन होने के पश्चात वो उपस्थित विशिष्ट जनों, अतिथिगणों, संत महंत विद्वत जनों को जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं इतिहास बनने की इस अद्भुत और अलौकिक घड़ी पर अपने संबोधन को करेंगे। रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। राम गति का नाम है, राम थमने ठहरने का नाम नहीं, राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर यह दिव्यतम भव्यतम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। ये अयोध्या के समभाव ममभाव का संदेश समूची मानव जाति को देगा। ये मंदिर सही मायने में 5 सदी के संघर्ष की सकारात्मक सुखद परिणति का स्वरूप होगा। ये मंदिर उन कोटि कोटि भारतवंशियों के लिए, समूचे विश्व में व्याप्त सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए आस्था का महानतम केंद्र बिंदु होगा। ये मंदिर सही मायने में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा देने वाले लाखों बलिदानियों और अनेकों पुण्यात्माओं हुतात्माओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा। कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई इस अभिलाषा को मन में समेटे कि हम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण देखेंगे और वह क्षण आज संपन्न हुआ है। आज भूमि पूजन हुआ है, आज नया इतिहास लिखा गया है, आज इस युग की महानतम संक्रांति हुई है, आज सनातन संस्कृति का संभाव स्वरूप, सनातन संस्कृति का ममभाव स्वरूप और सनातन संस्कृति की गरिमा की पुनर्स्थापना हुई है। राम, राम, राम के नाम में ही छुपा है वो अर्थ। रा से रोशनी, मा से मन, मन की रोशनी जिसके भीतर जागृत हो गई, राम उसके भीतर जागृत हो गए। दूसरे अर्थों में कहें तो राम हर जीव में विराजते हैं, बस वो अवसर तलाशना है, हमें जागृत करनी है उस रोशनी को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर हमारे भीतर है, हमारा ये शरीर संपूर्ण अयोध्या की भांति है। प्रभु श्री राम आत्मा के रूप में हमारे भीतर विराजते हैं, उस रोशनी को जागृत करके अलौकिक करके हम स्वयं राम की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। उनके आदर्शों, उनके मर्यादाओं, उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में उतार कर एक प्रतिमान गढ़ सकते हैं। सच कहें तो अयोध्या से निकलता हुआ ये संदेश पूरी मानवता को आकृष्ट कर रहा है, पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है और ये संदेश सिर्फ भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में देखा जाना सुना समझा जा रहा है। राम संयम और अनुशासन के सबसे बड़े प्रतीक रहे और आज जब पूरी दुनिया में अनुशासन की महत्ता बढ़ गई है, स्वयं के अनुशासन की, समाज के अनुशासन की, तो भूमि पूजन समारोह में भी आज उसका उदाहरण देखते ही बन रहा है। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ जब किसी का स्वागत किया जाता है तो राम राम जी कहा जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उनके पीछे मंच पर प्रदेश की राज्यपाल, उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन जी, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महंत जी, हमारे प्रधानमंत्री गोपाल दास जी के लिए मंच पर थे और लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया प्रधानमंत्री मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर श्रद्धावनत हैं, संत समाज के सामने, कोटि कोटि राष्ट्र के सामने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय मंच पर विराजमान हो रहे हैं कितने राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। ये विलक्षण क्षण और अब कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत समाज को अयोध्या में पहुंचे हुए और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र को उद्बोधन करेंगे, संबोधन करेंगे। भाई मोदी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ थे, उस यात्रा के प्रमुख थे और वो अयोध्या में पधारे थे। जानकी महल में उन्होंने रात्रि निवास किया था 14 जनवरी 1992 और आज ये ठीक संभवतः 28 साल पूरे होने के बाद तब का दृश्य उनकी आंखों में होगा। उसको उन्होंने बदलने की परिस्थितियां पैदा कर दी। हम प्रधानमंत्री महोदय देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। मैं नाम तो नहीं गिनाता लेकिन संपूर्ण भारत का भूगोल आपके सम्मुख उपस्थित है। 36 परंपराओं के लगभग 140 संत यहाँ हैं। कार्यकर्ता वर्ग तो बहुत थोड़ा है और सारे दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया गया। सबकी ओर से एक बार मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पांच सौ वर्षों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्ष साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गईं। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसाद होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया, स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती भी दिखाई दी और आज
उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुत प्रतीक्षित इस तिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सबके लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है, यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और हम सबके लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोग यहां पर कर तो रहे हैं लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश की चल रही है उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है उसके तहत ही सीमित संख्या में अतिथियों का आमंत्रण हो सकता था और उसका पालन करते हुए भी हमें इस ऐतिहासिक तिथि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सबको किसी न किसी रूप में हम आने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्षों में करेंगे कि उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूति अयोध्या में हो सके और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से यह कार्यक्रम अवधपुरी को जो गौरव मिलना चाहिए इस गौरव को हम आगे बढ़ा सकें। हम सबके लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर न क्षेत्र के नाम पर न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का अपने सभी माननीय अतिथियों का पूज्य धर्माचार्यों का संतगणों का सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत अपने उद्गार प्रस्तुत करेंगे। श्रद्धेय नृत्यगोपाल दास जी महाराज जी सहित उपस्थित सभी श्रद्धेय संतचरण, भारत के आदरणीय और जनप्रिय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक
बाला साहब देवरज जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया, 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं यार, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह, पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है, सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का, सिया राम मय सब जग अजानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है, और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह व्यावहारिक जगत के, जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकाल निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है, उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है उनके हाथ से हो रहा है, ये और एक आनंद है। और इसलिए उन सबका स्मरण होता है, लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना। लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहां उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है, हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रे जन्मनात् स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है, उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है, प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है, हम शुरू करें हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है, कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि
सब राम के है और सब में राम, और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दाई तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस विग्रह, जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसके ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा, वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए, और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बन के तैयार रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और वो मन मंदिर कैसा रहेगा बताया है, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहुं रघुराया, जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सबक जी तुम ही रहो उरलाई, तेही के हृदय रहो रघुराई। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए, इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त, दुनिया की माया कैसी भी हो उसने सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ, और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा, वो यहां खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारत वर्ष के लाखों मंदिरों में और एक मंदिर बनाने का काम नहीं है, उन सारे मंदिरों में मूर्तियों का जो आशय है, उस आशय का पुनर्प्रकटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहां बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर इस सब आनंद में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और जो मेरे मन में इस समय विचार आए उसको आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हुआ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के परमाध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज से निवेदन करता हूं, अपना आशीर्वचन प्रदान करें। मंच पर विराजमान सभी श्रद्धालु प्रेमी श्रद्धेय महानुभाव, सन्मुख दर्शन दे रहे सभी राम भक्त महानुभाव, संतजन, प्रेमीजन, भक्तजन, बड़े हर्ष का विषय है। अब समय आ गया है, बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते पूछते रहे, मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा, बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी, एक और योगी,
अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। वास्तव में ये बड़ा सुहावना समय आ गया है और करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा है शीघ्र शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए तन मन धन अर्पण करने के लिए सभी तैयार हैं। मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। निश्चित ही आप समझ देवता और भव्यता के साथ शीघ्र ही मंदिर का निर्माण होगा। समस्त भक्तों की कामनाओं की पूर्ति होगी। मंदिर का निर्माण समय पर प्रारंभ हो गया है। अब भारतीय जनता साधु संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए दिव्यता भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना हो जाना चाहिए। यही जनता की इच्छा है, यही भक्तों की बात। वास्तव में यह अभिलाषा भारत में रह रहे, विश्व में रह रहे हिंदू भाव की ये अभिलाषा है, उनकी भावना है कि हम अपने आँखों से शीघ्र दिव्य भव्य मंदिर का अवलोकन करें। इस प्रकार की इच्छा भावना को सभी लोग संजोए हुए हैं। इसी संकल्प को लेकर के सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है भूमि पूजन के माध्यम से उस महान कार्य का, उस महान संकल्प का, भक्तों की इच्छाओं का, भक्तों की भावनाओं का श्री गणेश शुभारंभ हो गया है। अब तो निश्चित ही मंदिर का निर्माण होगा ही, वह भी दिव्यता भव्यता के साथ होगा। अब हम यही आग्रह करेंगे, अब विलम्ब के काज, अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। अब सारे भक्त एक ईंट की बात, सोने की ईंट, चांदी की ईंट, सोने की ईंट देने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में भक्तों की, संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए हम योगी जी से, मोदी जी से आग्रह करेंगे इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दे, जिससे भक्तों की भावना, उनकी इच्छा की पूर्ति हो। मंदिर का निर्माण भारत का निर्माण है, मंदिर का निर्माण विश्व का निर्माण है, मंदिर का निर्माण लोक जीवन का, तो लोक कल्याण का निर्माण है। इसलिए मंदिर का निर्माण का आज शुभ संकल्प हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, ये बड़े हर्ष की बात है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए, जिससे भक्तों की भावनाओं की पूर्ति हो। मंदिर निर्माण के लिए लोग ईंटें दे रहे, चांदी की ईंटें दे रहे, लोगों ने दिए और दे रहे कि मंदिर में हमारी ईंटें लगाई जाए। तो इस प्रकार से हिंदू जनता की भावना, उनकी इच्छा, उनका मनोरथ यही है कि जल्दी से जल्दी दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य मंदिर का निर्माण हो। और हम अपनी आंखों से लोग चाहते हैं मंदिर का निर्माण देख लें। इसी प्रकार से इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज बड़ा सुंदर सुअवसर है। श्री माननीय मोदी जी और योगी जी ने श्री गणेश कर दिया है, भूमि पूजन
कर दिया है, निश्चित ही अब भूमि पूजन हो गया है, जो मंदिर का निर्माण होगा ही, इसमें कोई संदिग्ध। आज एक शिलापट का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैंने बताया था कि केवल इतना लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ पूजन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, डॉक्टर मोहन राव भागवत माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में आज के दिन संपन्न हुआ, इतना ही लिखा है। मैं निवेदन करता हूं कि वो शिलापट का अनावरण, यह बटन है, कर दें। अयोध्या शोध संस्थान ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के मॉडल पर एक डाक टिकट जारी कराया है, 5 रुपया मूल्य का। आप सब लोगों को अयोध्या शोध संस्थान या हमारे से प्राप्त हो सकेगा। मैंने पूछा था, पता लगा है 15 लाख डाक टिकट जारी हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और एक दूसरा कवर है, संसार में यूरोप में जहां जहां भगवान राम की उपासना होती रही उनके स्वरूपों पर एक कवर भी उन्होंने जारी किया है, 5 लाख डाक टिकट छपेंगे। कृपया बैठ जाए। अयोध्या शोध संस्थान ने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर काष्ठ की एक 3 फीट ऊंची कोदंड राम की प्रतिमा कर्नाटक राज्य से लगभग 6 महीने में तैयार हुई है। मुख्यमंत्री महोदय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के अवसर पर कोदंड राम। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, यह समाज आपका मार्गदर्शन चाहता है। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सियाराम जय सियाराम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है।
सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धे आदरणीय मोहनराव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदय पूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सियाराम, जय सियाराम। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई कई पीढ़ियों ने
अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धूल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ, अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति के आधार है, श्री राम भारत की मर्यादा है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। यहां आने से पहले मैंने हनुमान गढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है। साथियों, श्री राम का मंदिर
हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहां। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है, ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवड़ से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा
गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव के संबल बने, जिस तरह दलितों पिछड़ों आदिवासियों समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। हम जानते हैं जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी है, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो।
भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्ययुग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से ही अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। तमिल में कंब रामायण तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है, उड़िया में रुईपाद कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। साथियों, दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाक फ्रालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है, और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है।
साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। इसलिए हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे, कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन दृष्टि से विश्व परिचित हो, ये हमारी वर्तमान और हमारी भावी पीढ़ियों की विशेष जिम्मेदारी है। इसी को समझते हुए आज देश में भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े वहां राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या तो भगवान राम की अपनी नगरी है, अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। यहां राम कह रहे हैं मेरी जन्मभूमि अयोध्या अलौकिक शोभा की नगरी है। मुझे खुशी की आज प्रभु राम की जन्मभूमि की भव्यता दिव्यता बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित, नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का निर्देश है कच्चित ते दयति है सर्वे है कृषि गोरक्ष जीविना, किसान पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे। श्री राम का आदेश है कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव त्रिभी ऐते बुभूष से, बुजुर्गों की बच्चों की चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है जो सभित आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई, जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्री राम जी का ही यह संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है, भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहरी, बोले वचन बिनित बिचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। साथियों, तमिल रामायण में श्री राम कहते हैं, कालम तान इन्न इनुम इरितु पोलाम। भाव ये कि अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी भगवान राम का यही संदेश है। मुझे विश्वास है, हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। वैसे कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात हैं, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है। वर्तमान की मर्यादा है दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी देशवासियों को प्रभु राम, माता जानकी स्वस्थ रखे, सुखी रखे, यही प्रार्थना है। सभी देशवासियों पर माता सीता और श्री राम का आशीर्वाद बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को एक बार फिर कोटि कोटि बधाइयां। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, करते हैं हम सब लोग। वे अब हमसे विदाई लेना चाहते हैं।
हम सब कृपया खड़े होकर सम्मान पूर्वक उनको, नृत्यगोपाल दास जी महाराज जी भी आपको पहले हम प्रधानमंत्री जी को यहाँ से विदा होने दें, तब तक यहीं विराजे, यहाँ से फिर हम मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं बाहर, लेकिन थोड़ा रुकें और बाहर निकलते समय भी एक एक करके निकलें, दूरियां बराबर रखें, वाहन भी आने में थोड़ा समय लगेगा, आप किसी भी प्रकार की जल्दी न करें, कृपया यहीं विराज आइए, कृपया यहीं आसन ग्रहण करिए। जानकी दास जी महाराज, जगन्नाथ दास जी महाराज, कृपया पीछे से मंच पर आ जाएं और महाराज जी को अभी बाहर की ओर न जाकर आपस में ही मिल ले, बहुत दिनों बाद भेंट हुई होगी, भगवान के दर्शन करें। ऐतिहासिक क्षण में प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक उद्बोधन, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा भाव तो था ही, साथ ही साथ भगवान श्री राम के राम राज्य की संकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता भी दिखी। आज जय सिया राम के अनुगूंज से विश्व के गुंजायमान होने का दिन था। आज भारतीयता के सार्वकालिक सार्वभौमिक शंखनाद का दिन है। आज अयोध्या की महिमा और गरिमा की पुनर्स्थापना का दिन है। आज भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संक्रांति का दिन है। आज जननी जन्मभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने की प्रतिबद्धता के प्रगाढ़ होने का दिन है। आज कोटि कोटि पुत्रों के सकल मनोरथ सिद्धि होने का दिन है और संकल्प से सिद्धि का मंत्र लिए और अजय्याम च विश्वस्य देहि सशक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, यानी कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे जिससे विश्व में कोई चुनौती न दे, जिससे विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो, यानी कि भारत को जगत गुरु बनाने की संकल्पना को साकार करने का भी मंत्र अपने दिलों में समेटे प्रधानमंत्री ने यह उद्बोधन किया और राष्ट्र को उन्होंने भगवान श्री राम का दिव्यतम भव्यतम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, आज से एक नया युग का शुभारंभ हो रहा है। ये नया दौर अयोध्या नगरी के साथ साथ संपूर्ण भारत वर्ष सहित विश्व के लिए कल्याणमयी हो, मंगलमयी हो। आज प्रभु की जन्मस्थली का ये ऐतिहासिक दिन, इसी कामना के साथ कि आने वाला समय आप सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमयी हो, आप सबका आभार, नमस्कार। श्री राम जय राम।